हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल कैसे हो सब गुड मॉर्निंग एवरीवन वन जय हिंद हाउ आर यू बताइए ऑडिबल आई ऑडिबल टू एवरीवन चलिए आवाज़ क्लियर है सबको फटाफट से बताएंगे जल्दी सो दैट वी कैन स्टार्ट विद क्लास गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उत्कर्ष गुड मॉर्निंग चलो आते हैं जरा और बात करते हैं आज की क्लास की और आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ओशियन करेंट्स एंड ओशियन करेंट इज वन ऑफ द वेरी वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम कवर करेंगे और जहां से क्वेश्चन आते हैं बद आता है क्वेश्चंस करने में और टॉपिक भी बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो फटाफट से करते हैं चलिए क्या डिस्कशन चल रहा है तुम का डोंट गो विद चैनल एवरी वन द नोट विच आर बींग टॉट हेयर आर ऑल कॉपीड फ्रॉम श्री प्रतीक शर फ्रॉम अकेडमी थैंक यू सो मच गिरीश फॉर यमेशन यस दे आर कॉपीड एंड दे आर कॉपीड फ्रॉम जी सी लिंग एंड इफ यू विल ओपन जी सी लियांग

If you don't want to go with the channel, it's completely okay. I'm fine, no problem with that. You can go wherever you just want to understand the things where you just want to learn the things. You have just saw a video. You have just saw a video where I have taught straights in which I have followed that PDF, but you might haven't seen anything like the material, the complete raw material which I use. I com I completely use the raw material, I completely copy my whole notes from khan

तो वहां पे हम बार बार ओशियन करेंट्स की बात कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि सही समय आने पर सही तरीके से चलो सही समय आने पर सही तरीके से अपन लोग ओशियन करेंट्स की बात करेंगे और आज वो दिन आ गया है जब हम ओशियन करेंट्स की बात करने वाले हैं तो जरा देखेंगे कि ओशियन करेंट्स जो बेसिकली है क्या ओशियन करेंट्स क्या है दिस इज बेसिकली हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द सर्फेस ऑफ ओशियन कि हॉरिजेंटल एंड सर्कुलर मोशन हॉरिजेंटल एंड सर्कुलर मोशन ऑफ वॉटर है और, तो तो और वहीं फिर आप मेरे से कहो किलूमेंट होता है फिर उसका क्या वर्टिकल मतलब इस तरीके से हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से तो वर्टिकल मूवमेंट होता है और वर्टिकल मूवमेंट होता है आपका उसको हम बोल देते हैं टाइप्स एंड वेब्स

तो इक्वेटर पे जो वाटर होता है दैट इज हीटेड अप। इक्वेटर पे जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा टू द इक्वेटर पे वाटर होगा वो हमारा <coughs> सॉरी इक्वेटर पे जो वाटर होगा वो हमारा बहुत ज्यादा हॉट होता है तो जब इक्वेटर की तरफ से हमारा वाटर मूव करता है तो वो हो जाता है आपका हॉट करंट यानी कि जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब आपका वाटर मूव करेगा आप बोल सकते हो वार्म करते हैं दूसरी चीज अगर हमारा पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, करेगा तो भैया वो हमारा ठंडा पानी होता है और वो बनाएगा हमारे कोल्ड करेंट अभी देखना जब गायर बनाएंगे ना हम गोल गोल घुमाएंगे पूरे पानी को पूरा ओशियन घुमा देगा तो उसको बोल देते हैं हम कोल्ड करेंट उसको क्या बोल देते हैं कोल्ड करंट तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ जो जा रहा है वो हमारा हॉट करंट और पोल से इक्वेटर की तरफ कोल्ड करंट ये गोल्डन रूल है इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा भैया ये अगर कोई भूला तो जिंदगी खराब हो जाएगी तो इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है पानी ज्यादा हीट अप होगा इक्वेटर से पोल की तरफ जब हॉरिजेंटली मूव करेगा वाटर तो उसको बोल देंगे वार्म करेंट और जब पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा उसे कर देंगे कोल्ड करेंट अब जरा आइए जरा देख लीजिए ठीक है जरा देख लीजिए तो ओशियन करंट लार्ज है जो इक्वेटर रीजन से पोल वर्स जाता है उसकी हाई सरफेस टेम्परेचर होता है और वॉर्म करेंट्स बोल देते हैं और जो पोलर रीजन से इक्वेटर वर्ड्स आता है वो कोल्ड पानी होता है और उसको हम बोल देते हैं कोल्ड करेंट भैया ठीक है चलिए वर्टिकल मूवमेंट मूवमेंट होता होता है और होता है और ओशियन करंट ये हमने बेसिक बेसिक बात करी और जरा फटाफट से आगे चलते हैं चलिए अब क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि सर आपने कहा कि वाटर जो है वो सर्कुलरली मूव करता है या वो पोल से इक्वेटर जा रहा है इक्वेटर से पोल जा रहा है तो जो हमारे ओशियन का पानी है जो हमारा ओशियन का पानी है वाई इज इट फॉलोइंग सेम पैटर्न तो सर वो सेम पैटर्न क्यों यूज करता है वॉट इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड दैट तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा ओशियन करंट डिपेंड करता है ट्रस्ट मी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अ कपल ऑफ टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन तो आप सारे के सारे पॉइंट्स याद रखेंगे बस पॉइंट्स के अंदर की बात मैं आपको समझाऊंगा वो समझेंगे लेकिन याद सिर्फ पॉइंट्स रखेंगे तो जरा फटाफट से चलते हैं सबसे पहला होता है बॉयज प्लेनेटरी विंड्स तो जो हमारे ओशियन करेंट्स है अब आपको पता है कि पानी का अगर फ्लो है पानी का मूवमेंट है तो दैट मूवमेंट विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाई द प्लेनेटरी विंड्स विंड्स अब प्लेनेटरी में जिन्होंने मेरे साथ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक बात क्या जानते हैं जरा आइए हमें पता है हमारा इक्वेटर है जीरो डिग्री और जीरो से थर्टी डिग्री हमारी जो चलती है ठीक है ट्रॉपिक्स से ट्रॉपिक्सिक्स तक हमारी जो विंड चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स विंड्स ट्रेड ट्रेड तो उनको हम विंड्स बोलते हैं तो भैया जो हमारी ट्रेड विंड चलते हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में चलते हैं ठीक है और उनको ईस्टर्न लीज भी आप बोलते हो तो विंड्स का जो हम नाम देते हैं वी डिफाइन विंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग ईस्टर्न लीज जो है हमारी वो हमारी चलती है कहां पे जीरो से थर्टी डिग्री के बीच में और उनको ट्रेड विंड्स भी आप बोलते हो तो जब ये आपकी ट्रेड विंड्स चलती है तो भैया सिंपल सी बात है कि विंड्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपकी इन्फ्लुएंस करेगी किसको वो डायरेक्शन किसको इन्फ्लुएंस करेगी सर वो इन्फ्लुएंस करेगी हमारे ओशियन करेंट्स की डायरेक्शन को तो प्लेनेटरी विंड्स हमारी ट्रेड विंड चलती है और वहीं पर अगर हम थर्टी से सिक्सटी डिग्री आ जाए अगर हम थर्टी से सिक्सटी डिग्री आ जाए तो हमारी चलते भैया वहां वेस्ट

हमें पता है टेम्परेचर अब बचपन में एक बात सिखाई गई थी और जो बचपन में नहीं सीखी थी वो मैंने आपको क्लास में सिखाई थी क्या कि मैंने आपको बताया था भाई हॉट एयर राइजेस अप ठीक कूल कोल्ड एयर सेटल्स डाउन। दूसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाई थी भाई एक तो सिखाया था कि हॉट एयर अप दूसरा सिखाया था कोल्ड एयर सेटल्स डाउन वैसे ही जो वार्म वाटर होता है आपका वो काफी ज्यादा लाइट होता है बॉयज़ इन कंपेरिजन टू द कोल्ड वाटर सर हम नहीं मानते इस बात को अभी मनवा देंगे सर हम नहीं मानते इस बात को तो चलो अभी मनवा देते हैं कैसे नहीं मानोगे अब जरा मान लो <coughs> आपको पता है तो भैया ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल वो इतने क्लोज नहीं होते इतने सॉलिड्स के होते हैं और जो गैसेस के होते हैं उससे ज्यादा होते हैं ये हमारा लिक्विड है जब हम किसी भी किसी भी मैटर को हीट करते हैं जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो हमें पता है कि उनके जो बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पूरी केमिस्ट्री भी जोड़ दूंगा ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी में पॉलिटी भी जोड़ दूंगा मैं ऐसा इंसान हूं टेंशन मत लेना ठीक है इंग्लिश में भी पॉलिटी जोड़ते हैं हम डोंट वरी तो हमने देखा क्योंकि हमें बात समझ में आनी चाहिए अब हमने देखा कि कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं अब उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं द पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर जब भी हम उनको हीट करते हैं तो जो हीट एनर्जी है उनके बीच के जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ को ओवरकम करता है तो तो जब हम हीट करते हैं ये तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं तो सेम वॉल्यूम में कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हॉट वाटर है वो आपका लाइट होगा इन कंपेरिजन टू द कोल्ड वाटर समझ में आई बात बात समझ में आई है तो जल्दी से थोड़ा शोर मचा दो ठीक है तो जो हॉट वाटर होगा आपका वार्म वाटर होगा वो काफी लाइट होता है इन कंपेरिजन टू द कोल्ड वाटर

सर विंड्स ट्रेड विंड्स है उनकी वजह से ओशियन करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली बदलेगी अगर आप खुद बताओ आप मैं कहूं आपसे छत से पानी फेंको बहुत ऊंची छत है आप आर फ्लोर पर रहते हो रस्ते में चल रही हवा तो जिस रास्ते में हवा चलेगी उस रास्ते में पानी को भी तो डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी और टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है भाई जो कोल्ड है वो इक्वेटर की तरफ भाग रहा है और जो वार्म है वो पोल की तरफ भाग रहा है सिंपल सी बात है वही आपके ओशियन करेंट्स बन जाते हैं आइए जरा तीसरा फैक्टर है सेलिनिटी तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सैलिनिटी ऑफ द ओशन तो सेलिनिटी भी काफी ज्यादा सेलिनिटी भी हमारे ओशियन करेंट्स को इफेक्ट करती है दोनों फंडे है देखो ओशियन करंट सेलिनिटी को इफेक्ट करते हैं और सेलिटी ओशियन करंट को इफेक्ट करती है दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं अब देखो सेलिलिटी कैसे इफेक्ट करती है <coughs> तो यहां पे पहली चीज जो आपकी हाई सेलिनिटी का वाटर होता है द वॉटर ऑफ हाई सेलिनिटी इज बेसिकली डेंस इन कंपेरिजन टू द वॉटर ऑफ लो सेलिटी क्योंकि ज्यादा सोल्ट होते हैं उसमें भारी होता है वो पानी लो सेलिटी का लाइट होता है तो ऑब्वियसली बात है जो लो सेलिटी का वॉटर होगा वो सरफेस के ऊपर बहेगा और हाई सेलिनिटी का वॉटर है वो लो सेलिनिटी के वॉटर के नीचे बहेगा बात सिंपल सी है तो ओशियन करेंट बनेंगे तो वॉटर ऑफ हाई सेलिटी डेंस होता है वॉटर ऑफ लो सैलिनिटी से

फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे ओशियन करेंट आपके कही नहीं, कहीं ना कहीं तो आपका रोटेशन होता है लेट तो तो <coughs> हो गया मैं भी रोस्ट कर लेता थोड़ा <coughs> कोई बात नहीं आ जाओ जाओ चलो कैरी मनाती थोड़ी बनना है ऑप्शन बनना है इसीलिए मैं कल से हूं कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं कि जी

तो जो अर्थ का रोटेशन है जरा याद रखेंगे याद रखेंगे कि ओशियन करेंट्स को इस तरीके से इफेक्ट करता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को जिंदगी में समझ लो क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो ओशियन करेंट नहीं समझ पाओगे और समझने जैसा वैसा कुछ है नहीं बस ये देखो मैंने ऐसी हाइप बना दी तुम्हें डराने के लिए नदन हेमिसफियर में जो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ आपके जो करेंट्स है सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज होंगे और जो सदन में आपके जो करेंट्स बनेंगे वो आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे बस अब आप सोचो कि सर इतना क्यों कह रहे थे कि ये नहीं समझा तो जिंदगी खराब हो जाएगी समझ गए नदन <laughs> हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदन हेमिस्फीयर में

हर जगह एक फैक्टर होता है, क्यों? है, तो तो है। चाहे वो विंड हो उसके फ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा चाहे वो ओशियन करेंट्स हो कोई प्लीज ये बता दो जियो कब तक खत्म हो जाएगी खत्म क्यों करनी है चलने दो ना जीवन पर बढ़िया चीज तो है अच्छी सब्जेक्ट है मैं तो मन ही नहीं करता खत्म करने का कर देंगे अभी थोड़ा सा क्लासेस पा, और बच्चे आपकी तो पंद्रह बीस तक कर से। तो जो है आपका जब भी वाटर लैंड से टकराएगा तो लैंड उसको, उसको करेगा। ये बात तो वो भी हमारे ओशियन करेंट्स को ठीक है इफेक्ट करता है तो लैंड मास ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट एंड डायवर्स करेंट ठीक है तो ये सारे हमारे सारे फंक्शन है तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ओशियन कर सर्फेस ओशियन ठीक है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल

भाई वार्म होगा तो पोल की तरफ आ गया कूल कोल्ड होगा तो पोल से इक्वेटर की तरफ भागेगा तीसरा फैक्टर हमने जो तो पढ़ा वो पढ़ा हमने अर्थ का रोटेशन और अर्थ के रोटेशन से दो चीजें हमने पढ़ी कि नदन हेमिस्फीयर में आपका क्लॉकवाइज घूमेगा ओशन करंट और सदन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा आपका करंट ये चीज हमने पढ़ी चौथा फैक्टर पढ़ा हमने लैंड कि जब भी लैंड से जब भी Land से आकर के टकराएगा तो हमारे ओशियन करेंट्स में डिफ्लेक्शन आएंगे और पांचवा पड़ाटी तो सेलिटी से भी ओशियन करेंट इफेक्ट होता है क्योंकि जो हाई सलाइन वाटर होता है क्योंकि हाई सलाइन वाटर में सोल्ट है सा बहुत सारे तो भारी होता है वो नीचे ट्रेवल करेगा और जो लो सलाइन वाटर है वो ऊपर ठीक <coughs> है चलो ट्रेवल करेगा अब जरा कुछ ऐसे पॉइंट्स है देखो ये गोल्डन पॉइंट्स है आपने ये पॉइंट पांच समझ लिया ना आपको आज तक लगता होगा कि सर ओशियन करंट तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक है करंट 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 डोंट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ठीक है कोयोशियो भाई साहब नाम सुन के जब पहली बार मैंने देखा था ना जब मैं पढ़ रहा था खुद से ओशियन का तो मेरी आत्मा काप रही थी मैंने कहा यह क्या है मैंने ये कैसे मैं पढ़ूंगा लेकिन बहुत ईजी है ओशियन करंट्स आपको बस फैक्टर्स याद रखने हैं जिन पर क्वेश्चन पूछता है और कुछ गोल्डन पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये आपको याद रखने क्या है गोल्डन पॉइंट सबसे पहला तो यह है कि ओशियन करेंट जब आपके मूव करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं जिनको आप बोलते हो गायर्स गायर्स ठीक है उनको आप बोलते हो यानी कि जब भी ओशियन करेंट ट्रेवल करेंगे तो सर्कुलर मोशन करेंगे इस तरीके से और सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज होगा नदन हेमिस्फीयर के अंदर और सदन हेमिस्फीयर के अंदर होगा एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ यह बात सब समझे ठीक है चलो आज विमेन्स डेपी विमेन्स डे <laughs> कल मेरे को कर... एक वो आया मैसेज कि सर आप यूट्यूब की क्लास में बॉयज़ ही को बोलते हो मतलब लड़कियां भी तो होती हैं तो मैंने बोला मैंने कहा मैं इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता मतलब ठीक है लड़कियों को भी बॉयज बोल सकते हैं बॉयज़ को गर्ल्स बोल सकते हैं क्या दिक्कत है ठीक है तो सब आ ही जाते हैं उस पर अब लड़कों को थोड़ा बुरा लगा होगा बोला सर क्या बट क्या बात है मतलब जब लड़कियां बॉयज़ बोलने पर ऐतराज़ नहीं करती तो तुम भी क्या करोगे आ जाओ आगे खैर छोड़ो इस बात को तो ओशियन करेंट जो है दे फॉर्म सर्कुलर मोशन कॉल्ड गायर्स सर्कुलर मोशन बनाएंगे नदन हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज नदन में क्या क्लॉकवाइज आते हैं जरा आगे दूसरी चीज जो डायरेक्शन होगी सर्कल्स की वो नदन हेमिस्फीयर में होगी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में होगी एंटी क्लॉकवाइज तीसरी चीज पाओ तीसरी चीज पाओ अब जरा आगे चलते हैं अगर इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा करंट इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा तो वार्म करंट होगा और पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो कोल्ड करंट होगा ठीक है और जब भी आपको ओशियन करेंट पढ़ने हैं तो आप अपने कंट्रीज है जिन -जिन कोस्ट टकरा रहे हैं अगर आपका ठीक है अगर आपका, अगर आपका उस हिसाब से कोस्टल रीजन है सारे और जिन भी कोस्टल रीजन से आकर के आपके टकरा रहे हैं कौन ओशियंस तो उनके बेसिस पर हम करंट्स का नाम देते हैं ठीक है थीके? चलो अब जरा आगे आओ तो मैंने ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताए चलो वापस आओ ठीक है कि ओशियन करंट्स आपके सर्कुलर मोशन पर आएंगे जिनको आप गाइर्स बोलोगे डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज नदर हमोस्फियर में एंटी क्लॉकवाइज होगी सदर्न हेमोस्फियर में इक्वेटर से पोल की तरफ तो वार्म और पोल से इक्वेटर की तरफ तो कोल्ड और जो भी कोस्टल कंट्रीज होंगी उनके बेसिस पे हम जरा डिसाइड करते हैं अपने करेंट्स को जल्दी से बता दो ये क्लियर है।, है तो मैं आगे आपको पिक्चर दिखाने ले चलता हूं वी विल वॉच अ मूवी अगर ये पॉइंट क्लियर है तो इनमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर इनमें जीवन में दिक्कत है तो फिर जीवन बेकार ही है मतलब ये पांच पॉइंट्स ऐसे हैं जो ओशियन करेंट्स में पता ही होने चाहिए आपको जल्दी से मेरे को बता दो सबको क्लियर क्लियर है है अब 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 आ आ जाओ जाओ आगे सी सी ये मैप रखा पे आपके लिए जरा हम बात करते हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेंट ऑफ आर नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक की तो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ये है नॉर्थ पैसिफिक ये है साउथ पैसिफिक, ये हमारा इंडियन ओशियन ये साउथ अटलांटिक और इधर मैं बात करूं इधर मैं बात करूं तो ये इधर भी आपका पैसिफिक है क्योंकि दुनिया गोल है भैया दुनिया गोल है जिसका मैंने नाम नहीं लिखा वो है मेरा नॉर्थ अटलांटिक क्योंकि मैं वहां अगर नाम लिख दूंगा तो मैं करेंट्स का नाम के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगी तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपना इक्वेटर तो इक्वेटर आपका यहां जाता है कहीं एक्वाडोर से होकर के कोलंबिया फिर ब्राजील ठीक है ब्राजील में जाएगा फिर साउथ ओमेन प्रिंसिप गैबॉन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो चलो इस तरीके से इंडोनेशिया होते हुए हमारा पास हो जाता है। हमने है सर, तो अगर हम बेसिक सी बात करें, तो हम नॉर्थ अटलांटिक के करंट पढ़ने वाले हैं बेसिक्स हमें याद है कि हम अभी नदन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं इक्वेटर से ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर नदन तो नदन हेमिस्फीयर में बेसिक चीज याद है कि हमारा जो करंट घूमेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो वार्म होगा और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा कोल्ड आएगा। सबसे पहले करंट नंबर वन यहां से आपके इक्वेटर से निकलता है सबसे पहले इस तरीके से लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट यू कैन वॉच इट मोर क्लियरली इस तरीके से आपका इक्वेटर से करंट निकलता है जिसको आप बोलते हो क्या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका आगे जाता है तो यहां पे एक करंट होता है आपका <coughs> जिसको आप बोलते हो वह क्या बोलते हो जिसको आप बोलते हो कैन करंट इसका आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन इसको याद रखना कैन करंट सी ए बाई एन एन ई -E -E. आगे मैंने पीडीएफ में लिखा भी पीडीएफ में आपको भेज भी दूंगा कैन करंट होता है अब ये कैन करेंट का बात क्या है कि कुछ तो ये आपका इन सब कंट्रीज में चला जाएगा कुछ तो जो केन करंट है आपका वो इन सब कंट्रीज में चला जाएगा बाकी रहा बचा बाकी रहा बचा आपका यहां से फिर से दोबारा से आएगा और उसको बोल दोगे आप फ्लोरिडा करंट यहां एक कंट्री है फ्लोरिडा तो उसके बेसिस पे हमने नाम रखा तीसरा करंट हमने देखा फ्लोरिडा अब याद रखना एक चीज अब याद रखना बॉयज एक चीज कि सारे के सारे करंट ये जो है दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल तो तीनों के तीनों करंट मेरे हैं कैसे करेंट कैसे करेंट वॉम करेंट फिर यहां पे मेरा एक और करंट आता है जिसको मैं बोलता हूं करंट नंबर फोर गल्फ स्ट्रीम अब आप कमेंट करके बताओ गल्फ स्ट्रीम व्हाट डू यू थिंक कोल्ड होगा कि वॉर्म अब यहां से आपका गल्फ स्ट्रीम जाता है कोल्ड ठीक है यहां से और ये जो आपका ग्रीनलैंड है याद रखना ग्रीनलैंड की साइड से कोल्ड करंट आ रहा होता है इस तरीके से वॉर्म होगा वेरी गुड यह कोल्ड करंट आ रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंबराडोर लेबरा डॉक्सिक के नाम से याद रखना उसको लेबरा जैसे लेबरा आलसी होता है ठंडा होता है वैसे भी ठंडा करंट आपका होता है अब लेब्राडोर आ रहा है आपका पोल से इक्वेटर की तरफ तो पोल से इक्वेटर की तरफ जब कोई भी करंट आएगा तो वो कैसा होगा सर वो तो हमारा कोल्ड होगा बहुत बढ़िया बात तो याद रखेंगे एक और चीज नोट्स बनाते चलो नोट्स बनाते चलो क्योंकि ज्योग्राफी के नोट्स बनाओगे बहुत शॉर्ट नोट्स बनेंगे मजा आ जाएगा लेबराडोर होगा आपका कोल्ड हमने कहा बात तो ठीक है बात तो ठीक से अब यहां पे जब भी आपके वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं जब भी आप गर्म पानी में आप अपना गीजर चलाते हो बहुत ज्यादा गर्म पानी हो जाता है उसमें गर्म पानी भरते हो बाल्टी में थोड़ा सा और जैसे ही आप चलाते हो अपना ठंडे पानी का टैप सब सर्दियां झेल के आए हो पता भी होगा तो एकदम से स्टीम निकलती है पानी से कि नहीं निकलती है मेरे को आप बताओ आप जब देखते हो आपके वॉशरूम का शीशा एकदम स्टीम स्टीम हो जाता है फिर इस पर टावल के शकल देखनी पड़ती है तो यानी कि जब भी ठंडी और गर्म चीज मिलती है तो वहां पर स्टीम प्रोड्यूस होती है तो ये दोनों करेंट्स आपके लेबराडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं एक जगह पे जिसका नाम है न्यू फाउंसलैंड आइलैंड यूएसए के अंडर है न्यू फाउंडसलैंड और न्यू फाउंटलैंड जो है बेसिकली आपका एक आइलैंड है यहां पे आपका लेबराडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं तो जब भी वार्म और कोल्ड करंट आपके मिलेंगे तो वहां पर प्लैंगट आते हैं और प्लैंगटोस को खाने के लिए आते हैं फिशिस और फिशेस को खाने के लिए आता है humans. तो ये फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं जहां भी आपके वार्म और कोल्ड करेंट बनेंगे वहां पे आपके फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे वहां पे बहुत ज्यादा मछलियां आपकी पकड़ी जाएंगी चलिए जी आगे चलते हैं <coughs> अब ये गल्फ स्ट्रीम के आगे आपका एक जाता है इस तरीके से वो भी वॉर्म करेंट होता है इस तरीके से आपका एक करेंट जाएगा यहां तक रशिया के यहां तक और इस करंट का नाम हम देते हैं नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट क्या नाम दोगे इसका नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट और इसको मैं बोल देता हूं वॉर्म करेंट है भैया ये भी अब ये करेंट क्या करता है भर भर के क्वेश्चन आए इन सब इन सब करेंट से ना या तो करंट का नाम पूछेगा या पूछेगा आपको या मरमस्क पूछेगा क्या है या पूछ लेगा भैया फिशिंग लैंड कहां पे बनते हैं सब क्लियर हो जाएगा आज आपको अब तक क्या पढ़ा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म है कैन करंट वार्म है कुछ तो आपके इधर चला जाएगा <coughs> इन सब आइलैंड कैरिबियन आइलैंड की तरफ

जिसका नाम है मरमंस्क एम यू आर एम यू एन एस के तो मरमंस्क पोर्ट आपका बनता है कहां पे? जब आपका नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट आता है गर्म पानी लेकर के और बर्फ को पिघला देता है जरा वापस आए यहां से तो देखो सारे नेम कंट्रीज के नेम पे रखे हमने जब हम वापस आएंगे तो यहां पे इस तरीके से हमारे करंट वापस आएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूरोप यूरोपियन नेम्स इसको हम बोल देंगे कैनरीज करंट और ये कैसा होगा कोल्ड होगा क्योंकि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है क्या नाम होगा इसका कैनरीज स्पेलिंग है c a n a r i e s सो बॉयज दे आर ऑल द करेंट्स ऑफ योर दे आर ऑल द करेंट्स ऑफ योर नॉर्थ एटलांटिक ओशियन क्लियर है सबको क्लियर है जरा फटाफट से बताएंगे जीवन में आगे बढ़ा जाए चलिए तो आपको सारे नॉर्थ अटलांटिक के करेंट्स क्लियर हॉट कौन सा है कोल्ड कौन सा है रटने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत है नीचे से ऊपर जा रहा है और हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो नॉर्थ इक्वेटोरियल है 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 फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम है कोल्ड है नॉर्थ अटलांटिक वॉम है और हमारा कैनरीज का है कोल्ड करंट है जल्दी से मेरे को बताओ आगे बढ़ू यहां पर मैंने मैं भी किया है करेंट्स ऑफ नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक तो इक्वेटोरियल करंट है वॉर्म है जो जा रहा है हमारा कई करंट है जो हमारा जा रहा है कुछ तो आइलैंड्स की तरफ और वहां से फ्लोरिडा करंट आ रहा है वो भी है 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 फिर गल्फ आता है हमारा। गल्फ स्ट्रीम स्ट्रीम आता हमारा से आकर के मिलता लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम ऐसे जाता है और लेब्राडोर ऐसे आता है दोनों मिलते हैं कोल्ड और वॉर्म तो हमारे बनते हैं फिशिंग ग्राउंड कहा मछलियां पकड़ने के लिए तो हमारे फिशिंग आइलैंड्स बन रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जा रहा है हमारा होम करंट रशिया की तरफ वो रशिया में जाकर के एक ऑल वेदर पोर्ट बना रहा है वो क्या बना रहा है वो एक ऑल वेदर पोर्ट बना रहा है जिसको आप क्या बोलते हो मरमस्त बोलते हो हमने कहा ये भी ठीक है अब कैनरीज करंट जो है आपका वो कोल्ड करंट है ठीक है यूरोप की साइड से स्पेन स्पेन की साइड से वो आ रहा है फ्रांस यूके की साइड से तो वो हमारा क्या है केनरीज करंट है वो है कोल्ड करंट अब इन सब के बीच में जो आपने करंट पढ़े यहां पे एक एरिया बनता है जिस एरिया के अंदर जो एरिया बहुत स्टेबल होता है मिड ऑफ दॉर्थ एटलांटिक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन द मिड ऑफ एक एरिया बनता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है करंट से ठीक है करंट से चारों तरफ से घिरा हुआ है इसके नॉर्थ में नॉर्थ एटलांटिक है वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम है ईस्ट में कैन है साउथ में कैन या नॉर्थ इक्विटोरिया करंट है तो चारों तरफ से करंट आते हैं तो ये एक ऐसा रीजन बनता है आपके नॉर्थ एटलांटिक का जो काफी काम और स्टेबल होता है जो काफी काम और स्टेबल है और इस पर पूरे के पूरा अगर ये ये पानी हिलता ही नहीं है अगर ये पानी नहीं हिलेगा तो बहुत ज्यादा एलगे जम जाएगा इस पर। बहुत ज्यादा आ जाएगा और इसको हम बोल देते हैं विद इन दिस सरगासुटिको प्रेसिप्टेबल करेंट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग सी वीड सी वीड हो जाता है वहां अब सी के आगे अब वीड के आगे से सी हटा के फील ले रहे होंगे आधे लोग एंड द एरिया इज कॉल्ड द सरगासुसी इसको बोल देते हैं सरगासु सी तो आपको पूछे अगर कि भाई जो है अ सी विदाउट अ कोस्ट अ सी विदाउट अ कोस्ट सी की कोई कोस्ट तो है नहीं इस सी की सरगासु कोस्ट है क्या नहीं है सर तो बिना कोस्ट का भी सी होता है भैया और उसको कहते हैं सरगासु सी ठीक है चलो तो ये सारे हमारे नॉर्थ एटलांटिक के रहे। अब जरा आ जाते हैं साउथ अटलांटिक की बात कर लेते हैं तो फटाफट से सर बना दो इक्वेटर बना दिया ने इक्वेटर ये लो मौज करो सर ने बना दिया इक्वेटर ये रहा। अब हम बात करेंगे किसकी हमारे साउथ ओशियन के ओशियन करेंट्स की तो साउथ एटलांटिक में मैं बात करूं तो हमने देखा था कि हमारा एक नॉर्थ एटलांटिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था तो यहां भी भैया एक साउथ इक्वेटोरियल करंट दे दो क्या जा रहा है हमारा दे दो ना नाम तो साउथ इक्वेटोरियल हो गया वॉर्म क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है हमने कहा सर नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फिर यहां पे एक कंट्री है आपकी जिसमें बहुत ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है बहुत बड़ी कंट्री है बिगेस्ट कंट्री है आपकी साउथ अमेरिका की जिसका नाम है ब्राजील तो यहां से एक करेंट आता है आपका इस तरीके से जिसको आप बोल दोगे ब्राजीलियन करेंट कौन सा ब्राजीलियन और ब्राजीलियन भी वॉर्म करंट होगा आपका ठीक है सर नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल अब यहां से <coughs> ये जो आपका चैल है चायल का बिल्कुल ही बॉटम है इस ओशियन से एक करंट आता है यहां से यहां थोड़ा स्पेस नहीं है पर समझ जाना इधर से आ रहा है इस करंट को हम बोलते हैं बॉयज इस करंट को हम बोलते हैं क्या फाकल इसको बोलते हैं फाकलैंड करंट एंड फाकलैंड करंट इज बेसिकली कोल्ड करंट एफ एल एल के एन डी ये हो गया आपका फाकलैंड जो आपके चायल के नीचे से आ रहा है केप हॉम की साइड से हमने कहा ठीक है यहां से फिर ये जो आपका ब्राजीलियन करंट आगे बढ़ेगा तो जैसे आपका नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट था वैसे ही क्या होगा साउथ एटलांटिक करंट है और ये पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो कोल्ड होगा साउथ और नॉर्थ एटलांटिक करंट रशिया आइए जरा आगे आइए जरा आगे. आगे, आगे तो साउथ एटलांटिक करंट हमारा होगा भैया कोल्ड नॉट अ प्रॉब्लम सर फिर जब हम यहां से वापस जाते हैं तो यहां पे एक

कोल्ड करेंट जल्दी से एक फटाफट से एक एनर्जेटिक रिस्पॉन्स मेरे को दे दो यहां तक क्लियर है सब बात पैसिफिक ओशियन पर चला जाए चला जाए भैया पैसिफिक ओशियन पे नहीं जल्दी बताएंगे आगे आइए तो अब हम बात कर चुके हैं नॉर्थ एटलांटिक की और साउथ एटलांटिक की नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर पैसिफिक ओशियन नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक के हम देखेंगे फटाफट से आपके ओशियन करेंट्स तो सर पहला काम का इक्वेटर बना लो बनाते हैं जी ये लो ये जीरो डिग्री ड्रॉ कर लिया हमने ये मैंने जीरो डिग्री ड्रॉ कर लिया आपका आइए चलते हैं बढ़ते हैं आगे तो जीरो डिग्री ड्रॉ किया अब जरा हम नॉर्थ पैसिफिक के करंट को देखते हैं नॉर्थ पैसिफिक के करंट्स को देखते हैं तो देखो यहां भी एक करंट का हम नाम देते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट

अब फिर से हम नदर एमोस्फियर में आ गए तो हमारा गायर जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा जो करंट है क्लॉकवाइज तो ये पहला करंट पे आता है आपका पैसिफिक में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि वॉर्म है वो पहले भी समझ चुके हो आप हर जगह आ जाएंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल अब नॉर्थ के बाद जब आप ऐसे चलते हो आगे तो भैया आपका एक करंट आता है जिसको हम नाम देते हैं क्रोशियो उसको हम नाम देते हैं क्रोशियो स्पेलिंग याद रखना के यू आर ओ एस एच आई ओ तो ये हमारी क्रोशियो इज द स्पेलिंग क्रोशियो की स्पेलिंग हुई और क्रोशियो हमारा आ रहा है इक्वेटर से पोल की तरफ तो कैसा होगा वॉर्म होगा बहुत बढ़िया अब वैसे ही वैसे ही आपका ऊपर से करंट आता है <coughs> जिसको हम नाम देते हैं ओयोशियो उसको हम नाम इसको तो क्रोशियो दे दिया अब उसको हम नाम देंगे ओयोशियो ओ बाई एस एच ओ तो याद कैसे रखेंगे इसको कि ऊपर से आ रहा है कोल्ड है कुरोशियो नीचे से आ रहा है है तो भैया कोल्ड और वॉम फिर से हमारे दो करेंट्स मिले और जैसे ही दो करेंट्स मिलेंगे वैसे क्या बनेगा फिर से बनेंगे आपके फिशिंग बैंक तो हमारे के अंदर बहुत सारे फिशिंग बैंक बनते हैं बैंकिस बहुत मछली खाते हैं जैपानीज जो है हमारे बहुत मछली खाते हैं तो ओके तो ऊपर से और कुरोशियो नीचे से कुरोशियो इज वॉम ओयाशियो इज कोल्ड तो ये करेंट्स हमारे आ रहे हैं अब जब ये क्रोशियो आगे चलेगा आपका जब क्रोशियो आपका आगे चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्वियस सी बात है कि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से आगे और इस तरीके से अब आप कहोगे सर खत्म हो गई जमीन नहीं जी ठीक है नहीं जी ऐसा तो नहीं है जमीन तो खत्म नहीं हुई हमारी अर्थ है गोल तो ये नॉर्थ अटलांटिक का करंट आपका वो इधर आ जाएगा कहां आ जाएगा इधर आइए और इधर ये जो करंट आपका बनेगा यहां पे एक नाम देंगे इसको कैलिफोर्नियन करंट कौन सा कैलिफोर्निया ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भैया कैलिफोर्निया जो है या तो या कोल्ड पूछा था या पूछा था कि भाई कौन सा या कोल्ड एन में से <coughs> तो सी फॉर कैलिफोर्निया सी फॉर कोल्ड क्योंकि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो अब जरा मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूं देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया इस तरीके से पूरा गायर घूमा हमारा अगर हमारा अर्थ अगर हम इस मैप पे गोल बना पाते थ्री में पढ़ रहे होते तो ऐसे हम गायर घुमाते तो नॉर्थ इक्वेटोरियल था ये कुरोशियो है यहां से ओयाशियो आ रहा है ये मिल रहा है और जब ये आगे चला हमारा तो भैया हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे किसमें नदर हेमोस्फियर में तो इस, इस डायरेक्शन में आएगा हमारा कैलिफोर्निया तो ये हो जाएगा मेरा कैलिफोर्नियन करंट क्या सबको क्लियर है समझ गए ना कि अगर अर्थ हमारी गोल होती तो हम इसी तरीके से तो घुमाते ना क्लॉकवाइज तो क्रोशियो ओयोशियो कैलिफोर्निया तीन करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल है जो कि आपका एक और वार्म करंट है बात सबको क्लियर सॉरी तो अब जहां चलते हैं और बात कर लेते हैं साउथ पैसिफिक के करंट्स की किसकी साउथ पैसिफिक तो साउथ पैसिफिक में आते हैं अब साउथ पैसिफिक के करंट्स की मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट द करेंट्स ऑफ माई साउथ पैसिफिक तो भैया सबसे पहले आपका आता है सबसे पहले आपका आता है एक करंट जिसको हम नाम देते हैं यहां से यह कौन सी कंट्री है सर ऑस्ट्रेलिया है और यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे आपको बताएं तो यहां जब मेरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया तो जरा यह बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का ये वाला साइड वेस्ट है या ईस्ट है तो यह है मेरी ईस्टर्न साइड तो मैं इसको करंट को नाम दे दूंगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इस करंट को नाम क्या दे दूंगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तो यह मेरा हो गया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नीचे से आता है साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट उसकी बात छोड़ो फिर जब हम आगे इसमें घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हम यहां पे आ जाएंगे पैसिफिक में और यहां पर हमारा एक करंट आता है जिसको हम नाम देते हैं पेरुवियन पेरुवियन करंट या हम्बल डोल्ट करंट हम्बल डोल्ट पूछा जाता है नाम याद रखना दोनों या तो इसको पेरुवियन करंट बोल दोगे या फिर आप क्या नाम दे दोगे इसको या बोल दोगे आप हम्बल डोल्ट करंट चलिए एच यू एम बी ओ एल डी टी तो ये दो करंट्स आपको याद रखने आपके साउथ पैसिफिक क्वेश्चन में अब अगेन अगर मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूं तो मैंने ऐसे ही तो घुमाया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आया मेरा जो कि वॉम होगा ऊपर से नीचे आ रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज मेरे को घुमाना है तो ये मेरा पैरुवियन करंट आया जो कि मेरा क्या है पेरुवियन करंट क्या है कोल्ड करंट है आइए जरा बात को और सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्थ में हमने देखा नॉर्थ इक्वेटोरियल है क्रोशियो है वॉम ऊपर से आ रहा है फिशिंग बैंक बनाने के लिए और सी फॉर कैलिफोर्निया सी फॉर कोल्ड करंट अच्छा नीचे हमारा साउथ इक्वेटोरियल जाएगा वॉम फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का वॉम है और पेरुवियन और हम्बल डोल्ड करंट है हमारा जो कि हमारा कोल्ड करंट है अब बताओ जल्दी से मेरे को बताओ इजी लग रहा है ओशियन करंट कुछ भी है तो नहीं ओशियन करंट के टॉपिक में बस हम सोचते रहते हैं कि यार इतने सारे नाम हैं कौन याद करेगा याद थोड़ी करना होता है जहां आपको ये लगने लगे कि बहुत ज्यादा है याद करने को इसका मतलब आप रॉन्ग अप्रोच से पढ़ रहे हो आपको चीजें समझनी है थोड़े थोड़े नाम याद रखने भाई ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हम्बल डोट वहां पर कंट्री आती है पेरू तो पेरू के बेसिस पर हमने नाम दे दिया पेरू वियर ठीक है फ्लोरिडा के बेसिस पर फ्लोरडा करेंट होगा कैनरीज के बेसिस पर कैनरीज हो गया तो इस तरीके से हम नाम दे देते हैं अब जरा चलते हैं आगे नाउ अब आते हैं अब अपने घर आते हैं घर पे मतलब सर मतलब हम अपने घर पे आने का मतलब से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने इंडियन ओशियन में आते हैं और इंडियन ओशियन में तो भैया मेरा इंडियन ओशियन तो अगर मैं यहां से इक्वेटर ड्रॉ करूं तो इंडिया के नीचे से ही गुजरता है इक्वेटर ये सब बात जानते हो तो मैं साउथ इंडियन साउथ में आ गया सदर एमोस्फियर तो मेरा जो गायर घूमेगा वो मेरा कैसे घूमेगा सर एंटी क्लॉकवाइज वो मेरा घूमेगा आपका एंटी <coughs> क्लॉकवाइज तो जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा तो ये कंट्री कौन सी है यहां पे आती है मोजम्बिक तो मेरा मोज़म्बिक करंट हो गया वॉर्म करंट का नाम हो गया मोज़म्बिक ठीक है करंट का नाम क्या हो गया मोजम्बिक और मोज़म्बिक करंट को ही हम कई बार अगुलास करंट भी बोलते हैं याद रखना ए जी एल एच एस तो का करंट आपका हो गया जो आपका वॉर्म है फिर नीचे चलते हैं तो साउथ इंडियन करंट आता है जो कि आपका कोल्ड होगा और फिर जब आप ऐसे आगे घूमोगे तो ये आई आपकी वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और याद रखना दुनिया के जितने भी मेजर डेजर्ट्स हैं आपके वो वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों वेस्टर्न उसी कोस्ट पे बनते हैं जहां पे कोल्ड करेंट्स होंगे आप वेस्ट कोस्ट इधर देख लो यहां पे आपका कोल्ड करंट आता है यहां पे भी आपका कोल्ड करंट आता है इस कोल्ड करंट को हम क्या बोलते हैं बेंगुला करंट यहां भी आपके डेजर्ट्स बनते हैं आपके सारा वगैरह यहां पे कैनरीज आ रहा है यहां सारा बनता है आपका तो जहां भी कोल्ड करंट होगा मैंने दो चीज आपको बताई एक तो फिशिंग बैंक क्या होता है दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि डेजर्ट्स वहां बनते हैं जहां पे डेजर्ट्स जहां बनते हैं मेडागास्कर है मेडागास्कर के बेसिस पर नाम नहीं दिया नॉट वरी अब नहीं दिया उसके बेसिस पर मोहित करंट हम इसको बोलते हैं या फिर अगुलास और आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया

एक मैंने बताया कि भैया आपका मरमस्क बनना है तीसरा मैंने बताया सरगासुसी का है चौथा मैं आपको बता रहा हूं जहां कोल्ड करंट होगा वहीं पर आपके डेजर्ट्स बनेंगे चार पॉइंट याद रख लेना जीवन में बहुत भला हो जाएगा चलिए जरा आगे चलिए जरा आगे तो इंडियन ओशियन के देख लिए अब ये कुछ क्वेश्चन है अगर इनको हम देखा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट तो ऐसे आपको दे डाला तो क्रोशियो लेब्राडोर रखा, रखा है, है। तो हमें है ओके okay। क्रोशियो जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ बिल्कुल सही बात है लेबराडोर लेबराडोर वॉर्म ओशियन करंट है वॉर्म भैया गल्फ स्ट्रीम से लेबराडोर आकर के मिलता है लेबराडोर होता है कोल्ड करंट तो भैया ये बी वाला जो है वो गलत हो गया तो ये हमारा आंसर होगा बी क्योंकि पूछा है कि नॉट करेक्टली बेस्ट बाकी बेंगुला कोल्ड ओशियन करेंट ओयाशियो कोल्ड ओशन करेंट तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है ईजी लग रहा है जल्दी से बताओ ईजी लग रही है चीजें और जब नहीं पढ़ते ओशियन करेंट तो जीवन में अंधकार लगता है कि क्या है ये मतलब पेपर है तो ओयाशियो ओ भाई छोड़ दो आगे बढ़ो डर लग जाता है ऐसे क्वेश्चन से लेकिन डरना नहीं है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओशियन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स इंफ्लुएंस ओशियन करेंट्स रोटेशन ऑफ अर्थ का इन्फ्लुएंस करता है करता है सर एयर प्रेशर एंड विंडा था भैया प्लानिटरी करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ बिल्कुल करता है तो ओशियन वाटर डेंसिटी डेंसिटी जैसी तो हमने कोई चीज पड़ी ही नहीं ठीक है डेंसिटी जैसी तो हमने कोई चीज पड़ी ही नहीं तो रोटेशन इन्फ्लुएंस करेगा और अब देखो रोटेशन को इन्फ्लुएंस करेगा

ओशियन करेंट्स को वेरी गुड वेरी गुड नहीं 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 वो मैंने ध्यान से नहीं देखा डेंसिटी आपका थ्री भी ठीक ही होगा क्योंकि डेंसिटी में वही बात कर रहा है वाटर वाटर की कि जो ज्यादा डेंस है वो नीचे ट्रेवल करता है जो लाइट है वो ऊपर ट्रेवल करता है मैंने अभी तो बताया था आपको चलो ये देखो इनमें से भैया कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आया है कि कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है कैनरी है ब्राजील है गल्फ स्ट्रीम है कुरोशियो है देखो भैया कुरोशियो बॉम्ब है गल्फ स्ट्रीम भी वॉर्म है ब्राजील करंट कैसा है ब्राजीलियन करंट भी आपका वॉर्म है आपका बचा कौन सा कैनरीज तो कैनरी करंट आपका है वो है आपका कोल्ड ओशन करंट आइए ठीक है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी विदाउट अ कोस्ट लाइन बिना क्या सर डरा दिया था ही बोला था <laughs> कोई, कोई नहीं कोई नहीं वन ऑफ द फॉलोइंग सॉरी इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी विदाउट हैविंग अ कोस्ट लाइन ऐसा कौन सा सी है जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है बताओ वेरी गुड बी वो है हमारा सरगासुसी कौन सा है सर सरगाइए नाउ फिर हम आते हैं आगे विदाउट कोस्ट लाइन सरगासो सी अच्छा दो बार आ गया है। कोई बात नहीं दो बार टिक कर देते हैं ये लो। ये भी याद रखेगा सो दिस इज ऑल अबाउट द ओशियन करेंट्स ये ओशियन करेंट्स के बारे में जो मैंने चीजें पढ़ाई है दिस इज कंप्लीट फॉर यू इससे पहले हम तीन चीजें और पढ़ रखे थे एक तो ओशियन रिलीफ फीचर्स आप उठा के देखोगे उसमें भी बहुत एग्जैक्ट दे रखी है ओशियनोग्राफी बहुत टू द पॉइंट मैंने भी वहीं से बनाया नोट तो हमने बात की कि सबसे पहले हमने रिलीफ फीचर्स पढ़े रिलीफ फीचर्स के बाद भैया हमने जो बात करी की फिर हमने पढ़ लिए थे स्ट्रेट्स और आज हमने पढ़ लिया ओशियन करेंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके मिनट का टॉपिक और है उसके बाद छुट्टी आपकी डॉन्ट वरी और कोरल्स के बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे टाइट्स उसके लिए मैं सात आठ मिनट की वीडियो डाल दूंगा एक वो देख लेना टाइट्स तो ये हमारा कंप्लीट ओशियनोग्राफी हो जाएगा फिर अपन जो है कल से कल से जो है अपन शुरू करने वाले हैं क्या हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया शुरू कर देंगे भैया इंडिया के माउंटेन रिवर्स और ये सारी सारी की चीजें एकदम मस्त पानी पी लो सर ये कैसा पानी है मतलब लाल पानी पानी के नाम पर वाइन पिला रहे हो आप नशे हो गए मेरे को तो, तो तुम पढ़ोगे कैसे आओ वापस आओ तो हम पढ़ रहे हैं कोरल्स हम पढ़ेंगे कोरल्स आइए ये लो आपके आगे कोरल्स अब देखो कोरल जो है वो इतना प्यारा टॉपिक है ठीक है मतलब मैं थोड़ा सा कोरल्स को कि इतने टिनी टिनी से बिचारे और इतने जबरदस्त इनके काम है क्या मतलब ये काफी टिनी क्रीचर्स हैं टिनी स्पीसीज हैं लेकिन इनकी जो एक इंडिविजुअल जो कोरल होता है उसको हम नाम देते हैं पॉलीप याद रख ये टर्म्स याद रखने एग्जामिनर पूछता है कि पॉलीप बोलते हैं उसको ओ एल बाई पी तो इंडिविजुअल जो कोरल होगा उसका उसको आप बोलोगे पॉलिप उसके अलावा ये पूरा ग्रुप बना लेगा क्या खासियत है तो भैया मतलब को तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स बनाते हैं आपके कोरल्स दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म कोरल बनाते आए हैं दुनिया बदल गई टेम्परेचर बदल गया डायनासोर मर गए सब कुछ होगा लेकिन कोरल आज भी जिंदा है और आज भी आईलैंड बनाते हैं इसीलिए हम इनसे इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा हमारे लिए तो इंडिविजुअल को और कोरल्स हो हो गए। दूसरी ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं उसी कैल्शियम कार्बोनेट को वो एक जगह पे वो ये मर जाते हैं मरने के बाद इनका स्केलेटन लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और वही कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता जाता है और इतना जमा हो जाता है आप बिलीव नहीं करोगे कि आइलैंड बना देते हैं अभी चौदह क्लास चौदह लोग हमारी क्लास में एक मैं हूं हम पंद्रह लोगों को बोला जाए कि भैया तुम आइलैंड बना दो हम पंद्रह मिलकर नहीं बना पाएंगे और इतू इतू से कोरल बना देते हैं इससे हमें पता लगता है कि भाई यूनिटी तो अलग ही चीज होती है ठीक है यूनिटी तो अलग ही चीज होती है तो सी कैल्शियम कार्बोनेट से पूरा का पूरा आइलैंड बना देते हैं अब जो हमारे कोरल्स हैं वो रहते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप कैसी मोड ऑफ रिलेशनशिप सिम्बायोटिक ठीक है सिम्बायटिक का मतलब होता है कि जब दो स्पीसी एक साथ रह रही हैं दो स्पीसीज एक साथ रह रही हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है जैसे कि सर मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है कि मान लो एक तो प्लांट है कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं इससे फायदा क्या होता है कि एनिमल्स छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विदेंस लाइट एंडफिलेशन तो इनको चाहिए कार्बन डाइ ऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए और प्लांट छोड़ता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन चाहिए किसको इन एनिमल्स को तो ये सिम्बाइटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं और किसके साथ रहते हैं एक एलगे होती है आपकी जिसका नाम है जूजेंथल उसका नाम क्या है जेड ओ ओ

एलगे एलगे से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है for तो अब यहां से आपको एक समझ आई बात का यानी एलगे का जिंदा रहना भी जरूरी है और कोरल का जिंदा रहना तो जरूरी है जब हम कोरल की बात कर रहे हैं तो

कोरल भी मर जाएगा बेचारा ठीक है <coughs> तो ये आपके सरफेस पे मिलेंगे नियर द सरफेस ऑफ वाटर आपको हमेशा कोरल मिलेंगे कभी भी दर्फेस में नहीं मिलेंगे आओ मैं बता देता हूं अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई टाइप्स क्या है कोरल रीफ्स के एंड ट्रस्ट मी जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मेरे को फ्रिंजिंग रीफ और अटोल ये सारे के सारे ओवरलैपिंग लगते थे कुछ समझ ही नहीं आए ढंग से लेकिन मैंने यहाँ गूगल से एक फोटो डाला आपके लिए उस फोटो को देखो आपकी जिंदगी समझ जाएगी एक बार में समझ आ जाएगा तो फ्रिंजिंग रीफ क्या है फ्रिंजिंग रीफ देखो बेसिकली होता क्या है मैं आपको एक रफ डायग्राम बना करके समझाता हूँ टेम्परेचर भी है हाँ विश्व आएंगे अभी उस टॉपिक पे अभी तो मैंने नॉर्मली बताया वहाँ एक लाइन लिखी थी अभी अपन आएंगे उस टॉपिक पे जो सारे फैक्टर्स हैं वो भी मैंने डिटेल में है कि मान मान के चलो मान कर के चलो करके ध्यान से सुनना मेरी बात को ये बिल्कुल समझना है फ्रिंजिंग रीफ अगर मेरे से पढ़ रहे हो बैरियर रीफ फ्रिंजिंग रीफ तो भैया ऐसे समझ जाना है एक ही बार में कि कोई टेंशन ना दे पाए आपको जीवन में अब मान लो मैं आपका एक डायग्राम बनाता हूं यह है आपका पीस ऑफ लैंड रुक जाओ मैं पूरा बना लू पहले डायग्राम ये मेरा कोई लैंड का पीस है दिस इज सम पीस ऑफ लैंड और कोस्ट बोल सकते हो आप या किसी भी पीस पीस ऑफ लैंड है किसी आइलैंड का हो सकता है कंट्री का हो सकता है कुछ भी हो सकता है अब इसके ऊपर क्या हुआ आपके कोरल्स ने कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट किया और इस तरीके से एक आइलैंड बना दिया मतलब इतना डिपोजिट कर दिया कि ये ऐसे आपकी जमीन उठ गई यानी कि आइलैंड आएले, तो नहीं हुआ ये तो आपका पूरा का पूरा सी था ये आपका पूरा सी है रुक जाओ जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं पूरा सी था यहां ये भी, ये भी भी तो सी के ऊपर आपका उस सरफेस पे आकर के जब कैल्शियम कार्बोनेट चिपका दिया और उस सरफेस को बेसिकली इंक्रीज कर दिया जो लैंड था ऐसे रीफ को जो आपके कोल्स बनाते हैं ऐसे रीफ को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ <laughs> नेक्स्ट आओ तो सर फ्रिंजिंग रीफ हो गया वी तो डोंट है सर फिर रीफ का होता है, अब देखो बैरियर समझाता हूं मान करके चलो ये आपका पीस ऑफ लैंड था ठीक है अब हुआ क्या बेसिकली हुआ क्या बेसिकली कि आपका यहां पे बन गया कोरल्स का फॉर्मेशन और इतना बड़ा फॉर्मेशन बन गया कि जो सी है वो इसी एरिया तक सीमित रहगा मतलब सर मतलब काफी बड़ा आइलैंड आपका बन गया और पीछे जो पानी रह गया पीछे जो आपका पानी रह गया है ये वाला सी का वो बनाएगा आपका एक लेगून तो जब लेगुन से कनेक्टेड हो आपका पीछे लेगून छूट जाए और आगे बना ले आपका फॉर्मेशन इसको आप बोलते हो बैरियर रीफ एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सी साइड में है

हमारे ओशियन के अंदर आता है वॉलैनो ईस्टर्न साइड में वेरी गुड वेरी गुड विशेष वॉलकैनो आता है वॉलैनो की वजह से हमारे सी के अंदर वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं ये बात आप सब जानते हो कि सर वॉलैनिक आइलैंड्स बनते हैं जैसे हमारे लैंड पे माउंटेन्स बनते हैं वैसे ही सी के अंदर वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं ड्यूरिंग द प्लेट टेक्टोनिक्स तो जो हमारे वॉलकैनिक आइलैंड बना इस तरीके से बनता है देखो ठीक है फिर फ्रिंजिंग रीफ हमारा कैसे बनता है उस चीज को समझेंगे फ्रिंजिंग रीफ मतलब ये जो आपका एरिया बन गया जस्ट हमारे लैंड की साइड में हमने एरिया बना लिया वो बनेगा फ्रिंजिंग रीफ अब इसी फ्रिंजिंग रीफ के अंदर एक लेगून बनने लगा ये हो गया मेरा बैरियर रीफ और तीसरा होता है मेरा एटोल ठीक है एटोल जो बनता है वो आपका सर्कुलर बनता है जब आपका लेगून काफी ज्यादा बड़ा हो गया उसको बोल देता आप एटोल ये आपका लेगुन है अब नीचे एक और तरीके से समझते हैं नीचे एक और तरीके से समझते हैं आइए एक और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता हूं ये देखो एक और तरीके समझो आपका मान के चल रहे हैं हम ये कोई आपका इस तरीके से वॉल्केनिक आइलैंड है ठीक है इस वॉल्केनिक आइलैंड के आसपास जैसे ही आपके कोरल्स फॉर्मेशन होगा उसको आप क्या बोल दोगे उसको आप बोल दोगे फ्रिंजिंग रीफ फिर क्या हुआ ये जो आपका पीस ऑफ लैंड था ये वाटर का लेवल राइज किया बात को समझ रहा वाटर का आपका लेवल राइज किया ये पीस ऑफ लैंड थोड़ा सिंक हो गया ये पीस ऑफ लैंड थोड़ा आपका सिंक हो गया ठीक है तो इसके आसपास आसपास जो इसके जो हमारा हमारा ये सिंक हुआ तो इस तरीके से कोरल फॉर्मेशन था यहां पे इसके आसपास लेकिन जब ये सिंक हुआ तो इससे अलग हो गया ये जब ये सिंक हुआ पीस ऑफ लैंड तो लैंड से थोड़ा अलग हो गया हाँ पानी के नीचे आज भी लैंड से लगा हुआ है लेकिन ऊपर सरफेस पे नहीं दिखता इसको आप बोल देते हो यही होता है आपका बैरियर रीफ और जब पूरा आपका ये लैंड सबमर्ज हो जाए और सिर्फ बचे आपका कोरल्स और बीच में लेगून्स पूरा लैंड जब सबमर्ज होगा इसको बोल देते हो एटोल जैसे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है जैसे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है दैट इज ऑल्सो एटोल बात समझ में आई जल्दी बताओ मेरे को पिक्चर देख के समझ में आया कि हम किस तरीके से अलग अलग फ्रिंजिंग बैरियर

आपका ग्रेट बैरियर रीफ है सोचो 1200 माइल लॉन्ग जलवे बखेर रहे हैं दुनिया में तीसरा पड़ा एटोल्स एटोल अटौल बैरियर रीफ की तरह सिमिलर होते हैं कि उनका पूरा सर्कुलर शेप बन जाता है और उनके जो लेगुन्स होते हैं और जो रीफ बनते हैं आपके एटोल्स के वहां पर कोकोनट कोकोनट ट्रीज उगते हैं बहुत ज्यादा कोकोनट को हम खाते हैं मस्त तो तीन तरीके हमने पढ़े फ्रिंजिंग बैरियर एटोल एटोल का ऑस्ट्रेलिया वाला बेस्ट कंडीशन फॉर आपका पानी का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब समझो हमारी जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कंट्रीज है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहीं आपको ये मिलेंगे कोरल्स

जो डेप्थ है पानी की शुड नॉट एक्सीड एक सौ अस्सी फीट एक सौ अस्सी फीट से घेरा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक सौ अस्सी फीट से गहरा हुआ तो भैया उनको सनलाइट नहीं मिलेगी और मर जाएंगे दो फे, दो फैक्टर पड़े एक तो टेम्परेचर दूसरा डेप्थ और तीसरा है वॉटर मस्ट बी सॉल्टेज एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट क्योंकि मिट्टी से अलग होना चाहिए पानी सॉल्ट होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि जो माउथ होगा माउथ ऑफ द द वेयर रिवर फॉल्स जहां आपकी रिवर गिरती है, गिर है। वहां पे कभी भी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे फ्रेश होता है, नहीं होता। उसके साथ साथ बहुत सारा सेडिमेंट भी आपकी रिवर लेकर आती है और कोरल करते हैं। बेस्ट इन अवे सिल्टी कोस्टर मडी मार्क्स ऑफ कि भाई उनको स्ट्रीम नहीं चाहिए रिवर की ना सेडिमेंट चाहिए न सिल्ट चाहिए उनको चाहिए बस सोल्टेस्ट वाटर विच इज प्रेजेंट इन ओशियंस इज दिस क्लियर बात समझ में आई तो टेम्परेचर डेफ्थ और अपना पानी फेंक के मारती है ओशियन के मुंह पर सेडिमेंट लाती है वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे so खत्म किया अपन लोग कोरल्स भी खत्म किए शाम को मिलता है आठ बजे इसी जोश के साथ और इंग्लिश भी खत्म करते हैं नाउन आर्टिकल्स खत्म करेंगे थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे क्लियर है सो नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन इफ यू हैव लाइक द सेशन काइंडली कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो यू कैन शेयर विद्स टू हेल्प आउट दो बाई एवरी टेक केयर जय हिंद प्रिपेयर वेल